नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ थे। आज झंडा फहराते हैं लेकिन कई सालों तक तिरंगे को सैल्यूट तक नहीं मारते थे। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में है तैयार हम रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। आरएसएस की विचारधारा वो है जिसमें दलितों को छुआ तक नहीं जाता था, देश को राजा लोग चलाते थे, और हमारी विचारधारा यह है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के पास होनी चाहिए। रैली के मंच से राहुल ने जातीय जनगणना का भी जिक्र किया, इस आरोप के साथ कि यह सरकार ओबीसी की नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दिया है और आरएसएस के लोग बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। आरएसएस के घर में आरएसएस पर हमला। खड़गे ने तिरंगा लहराया और राहुल ने तिरंगे पर ही आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर है तैयार हम रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई भर नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों और राजाओं महाराजाओं के साठगांठ से थी, जिसमें कांग्रेस गरीब जनता के साथ खड़ी थी और आरएसएस राजाओं के साथ। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते, 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, मगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, एक सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, और आरएसएस के लोग बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। राहुल गांधी ने दावा किया कि आजादी से पहले दलितों का छूत समझा जाता था, यही आरएसएस की विचारधारा है जिसे कांग्रेस ने बदला, लेकिन अब आरएसएस वाले फिर से उसी छुआछूत वाले हिंदुस्तान की वापसी चाह रहे हैं। 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है, और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की मौजूदा सरकार नौजवानों का हक लूट रही, चंद अमीरों को भारत की संपत्ति सौंप रही और अग्निवीर जैसे योजनाओं के जरिए सेना में बहाल होने वाले नौजवानों का सपना चकनाचूर कर रही। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। 150,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 150,000 युवा, मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 150,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया।
अपने संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना का जिक्र करते हुए दलितों और आदिवासियों की हकमारी का इल्जाम लगाया, तो साथ ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा भी दे दिया। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, देश के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं, पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। नब्बे अफसर में से 3 ओबीसी हैं। राहुल गांधी के बाद है तैयार हम रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी आरएसएस को डरपोक बताया। ये दावा किया कि जब कांग्रेसी अंग्रेजों से नहीं डरे तो भले बीजेपी और आरएसएस से क्यों डरेंगे। ऐसे ब्रिटिशों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे, क्या बीजेपी को डरेंगे, क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी माना नामा मांग लिए, तो ये लोग डरपुक है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना, आप तो बहादुर लोग हैं। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो शेर है, बब्बर है। खड़गे ने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी और आरएसएस को रोका नहीं गया तो लोकतंत्र इतिहास बन जाएगा। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं, और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया, वो भी खत्म हो जाए। जिस देश में वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोटिंग का अधिकार संविधान आने के बाद ही हुआ। महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, और आज जो 18 साल के युवा भी जो वोटिंग कर रहे हैं, वो राजीव गांधी की देन है। ऐसे चीजें कांग्रेस पार्टी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इससे पहले खड़गे ने नागपुर को क्रांतिकारियों की धरती बताया, तो साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर भी रोशनी डाली। नागपुर एक क्रांतिकारों की भूमि है, इसी भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहाँ पर कम से कम 2600 दिन यहाँ पर उन्होंने गुजारा है, करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की देश को आजादी दिलाने के लिए, उनका काम यहाँ बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना, इस विचारधारा का यहाँ पर बात होती थी। दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई, और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमलों का जवाब भी आया,
फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसा, ये कहते हुए कि विदर्भ के लोग कांग्रेस के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने राहुल को गंभीर नेता नहीं माना। मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। कांग्रेस पार्टी और नागपुर से जो लाखों लाख लोग यहां पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। देश को आजादी दिलाई, देश को के उन्नति में अपने प्राणों के निछावर हमारे नेताओं ने किया। देश के संविधान को बनाने वाले, देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी उठाएंगे। ये संकल्प आज इस 138-139 स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस ने लिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जेल की सजा काटी थी। नागपुर में है तैयार हम कार्यक्रम से पहले दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। रमन कुमार, नागपुर, न्यूज 24।